अच्छे जंगल में सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। और एक दिन उस जंगल में एक नाग आ जाता है। वो भोजन की तलाश में जंगल घूमता है, लेकिन उस जंगल के पक्षियाँ बहुत समझदार होते हैं। जब भी नाग को देखते हैं, वो भाग जाते हैं। इसी वजह से नाग को बहुत गुस्सा आता है। भागो पक्षियों, भागो! कितना दूर भागोगे और कब तक भागोगे? एक ना एक दिन तुम्हें मेरा भोजन बनना ही होगा। इस जंगल में एक रानी नाम की चिड़िया रहा करती थी। और रानी चिड़िया की दो सहेलियां थी, सुंदरी कवि और गोरी कवि। सुंदरी और गोरी, हमारी जंगल में एक दुष्ट नाग आ गया है। वो हर समय पक्षियों का शिकार करता है और पक्षियों के अंडे खाता है। हमें बहुत चौकन्ना रहना होगा। हाँ रानी चिड़िया, कालू जी भी बार बार कहते रहते हैं हमारे जंगल में एक दुष्ट नाग आ गया है। सुंदरी और रानी, हमारे जंगल में इतने सारे पक्षियां हैं, अगर हम सब मिलकर उस नाग को मार देंगे तो तब तो वो नाग मर ही जाएगा। नहीं गोरी, उस नाग को कोई भी नहीं मार सकता। वो नाग भोलेनाथ का सच्चा भक्त है और भोलेनाथ जी प्रकट होकर उस नाग को अमर होने का वरदान दे चुके हैं। और भोलेनाथ ये भी कह चुके हैं उस नाग को, अगर कोई भी उस नाग के सर पर वार करेगा तब जाकर वो नाग मरेगा। लेकिन उस नाग के पास जाने में जंगल के सभी पक्षियाँ डरते हैं, क्योंकि उस नाग को ये वरदान मिला हुआ है। सुंदरी, तुम्हें उस नाग के बारे में जानकारी किसने दी? मुझे ये बात मेरे पति कालू जी ने बताया है और मुझे ये भी कह रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए सुंदरी, तुम उस नाग के आस पास भी मत जाना और उससे दूर ही बना कर ही रहना। हाँ सुंदरी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं तो उस नाग से दूरी बना कर ही रहूंगी। पहले ही उसे महादेव का आशीर्वाद जो मिला हुआ है। सुंदरी, सच में वो नाग के सर पर मारने से क्या वो नाग मर जाएगा? क्या ये बात सच है सुंदरी? ये बात कितनी सच्ची है और कितनी झूठी है मुझे नहीं पता, लेकिन कालू जी अक्सर कहते रहते हैं, शायद ये बात सच्ची होगी। तभी उस समय वहाँ पर नाग आ जाता है। अरे वाह, तीन तीन पक्षियाँ, देखकर मेरी आंखों को सुकून मिल गया। चलो पक्षियों, मेरा भोजन बनने के लिए तैयार हो जाना, अभी मैं तुम तीनों को खाने वाला हूँ। अरे नाग भैया, क्यों हमारी जान के पीछे पड़े हुए हो? देखो हम कितने दुबले हैं। हमारे शरीर में तो सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां हैं। हमें खाने से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा नाग भैया, हमें जाने दो नाग भैया। इतनी देर से तुम तीनों पक्षियां मेरे बारे में ही बात कर रहे थे और मुझे मिले हुए वरदान के बारे में बात कर रहे थे और मैं कैसा मरने वाला हूँ उसके बारे में बात कर रहे थे तुम तीनों पक्षियाँ, मैंने मेरी कानों से सुना है। अरे नाग भैया, हम तो मजाक कर रहे थे, भला कोई मजाक को इतना सीरियस कैसे ले सकता है? अगर आपके मन को ठेस पहुँची हो तो हमें माफ कर दीजिए नाग भैया, और हमें यहाँ से जाने दीजिए नाग भैया। देखिए नाग जी, आपकी वजह से इस जंगल के सभी पक्षियाँ डर रहे हैं। प्लीज आप इस जंगल को छोड़कर चले जाइए, और आपको भोलेनाथ का भी वरदान मिला हुआ है। अगर आप मासूम पक्षियों को मारकर खाने लग जाएंगे तो ये तो भोलेनाथ का अपमान होगा नाग जी। अरे वाह, इस जंगल में तो सबसे समझदार चिड़िया तुम हो, जो मेरे सामने खड़े होकर मेरे वरदान के बारे में बात कर रही हो, वो भी मेरे मुंह के सामने। तो सुनो चिड़िया,
अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? वो तो भूखा ही मर जाएगा ना। आई बात तुम्हारे समझ में चिड़िया? इसलिए मैं तुम जैसे नन्हे और मुन्ने पक्षियों को खाकर अपना पेट भरता हूँ। इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं करता हूँ चिड़िया। अरे नाग जी, हमें जाने दीजिए, हमें भी दर्द होता है। अगर आप हमें मार कर खा जाएंगे तो हमारे पतियों का क्या होगा? वो तो हमारे याद में रोते रोते मर जाएंगे। अरे पागल चिड़िया, तुम जैसा सोच रही हो ना, वैसा कुछ नहीं होगा। अगर मैं तुम तीनों को खा लूंगा तो तुम्हारे तीनों पतियां बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये कलयुग है कलयुग, और तुम्हारे तीनों पतियां दूसरी शादी कर लेंगे, वो भी धूमधाम से और बैंड बाजा लगा कर। तभी उसी वक्त वहां पर कालू कौवा भी आ जाता है। तुम तीनों यहाँ से भाग जाओ, मैं इस नाग को गुमराह करता हूँ। तभी कालू कौवा उस नाग के सिर के ऊपर से जोरों से उड़ने लग जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर रानी चिड़िया, सुंदरी कौवी और गोरी कौवी वहाँ से भाग जाते हैं और कालू कौवा भी वहाँ से भाग जाता है। अरे पागल सुंदरी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है उस नाग के आसपास भी मत भड़को, लेकिन तुम मेरी बात सुनती नहीं हो। देखा, आज तुम्हें वो ना खाने वाला था। कालू जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आइंदा मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी। कालू जी, आखिरी बार मुझे माफ कर दीजिए। कालू जी, ठीक है सुंदरी, मैं बबलू के पास जाता हूँ और उसे सारी बात बता देता हूँ। वो भी अपनी पत्नी रानी चिड़िया को डांटेगा, तब रानी चिड़िया को अकल आ जाएगी। ऐसा सोचकर कालू कौवा बबलू चिड़े के पास जाता है। जो कुछ हुआ था कालू कौवा सारी बात बबलू चिड़े से कह देता है। तुम आज उस नाग का शिकार बनने वाली थी। हे भगवान, लाख लाख शुक्र है आपका, और कालू कौवे ने तुम्हारी जान बचाई। ये सारी बातें तुमने मुझसे क्यों छुपाई रानी चिड़िया? बोलो रानी चिड़िया, बोलो। बबलू जी, खामखा आप परेशान हो जाएंगे, इसीलिए मैंने आपसे वो बात छुपाई है। और कालू भैया ने हमारी जान बचाई है बबलू जी, और हमें कुछ होने भी नहीं दिया। मैं तो कालू भैया से थैंक्स कहना चाहती हूँ कि कालू भैया ने हमारी जान बचाई है। अरे रानी चिड़िया, मुझे थैंक यू कुछ नहीं चाहिए। मैं तो आपकी चिंता करता हूँ, इसलिए जो कुछ हुआ था वो सारी बात आपके पति यानी बबलू चिड़े से कह दिया। आइंदा आप ऐसी गलती मत करना, क्योंकि आप मेरी छोटी बहन जैसी हो। आपको तकलीफ होगी तो मुझे देखा नहीं जाएगा। सुन रही हो रानी चिड़िया, तुम्हारी कितनी चिंता करता है मेरा दोस्त कालू। ऐसा दोस्त मुझे कहीं पर भी नहीं मिलेगा रानी चिड़िया। मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि ऐसा दोस्त मुझे हर जन्म में मिले। कालू मेरे दोस्त, तुम चिंता मत करना, तुम्हारी बहन यानी मेरी पत्नी का मैं मेरे जान से भी ज्यादा ख्याल रखूंगा। ठीक है बबलू, अभी मैं चलता हूँ, मुझे जंगल जाकर दाने लेकर घर जाना है। कालू कौवा उड़ते उड़ते जंगल जाता है। ऐसे ही दो दिन गुजर जाते हैं। वो नाग कालिया के घर के अंदर चला आता है। नाग, नाग, मेरे घर के अंदर नाग आ गया है। कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ। अरे वो कौवी, क्यों खामखा चिल्ला रही हो? यहाँ पर तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं आएगा। अब तुम मेरा भोजन बनने के लिए तैयार हो जाना और मेरे पास आ जाना, और मैं तुम्हें डस लूंगा। जब तुम मर जाओगी ना, तुम्हें पूरा ही निगल लूंगा। आओ कवी, आओ मेरे पास। और वो दुष्ट नाग गोरी कवी को पूरा ही निगल लेता है। वाह वाह,
कितनी स्वादिष्ट है ये, लगता है ये कौवी ड्राई फ्रूट्स खाती होगी इसलिए इतनी स्वादिष्ट है। चलो आज का तो भोजन हो गया। और वो दुष्ट नाग गोरी कौवी को खाकर वहाँ से चला जाता है। ये सारा नजारा बुलबुल देख लेती है। अरे ये नाग तो गोरी कौवी को पूरा ही निगल लिया, अब हमारा क्या होगा। ऐसे ही ये नाग हर रोज किसी ना किसी को खाने लग गया तो हमारे जंगल के सभी पक्षियाँ खत्म हो जाएंगे और मैं भी नहीं बचूंगी। मुझे जल्दी से जल्दी जाकर रानी चिड़िया को ये बात बतानी होगी। बुलबुल उड़ते उड़ते रानी चिड़िया के पास जाती है। रानी चिड़िया, वो दुष्ट नाग गोरी कौवी को पूरा ही निगल लिया और डकार भी नहीं मारी उस नाग ने। मैंने मेरे आँखों से देखा है रानी चिड़िया, मैंने मेरे आँखों से देखा है। गोरी कौवी चिल्ला रही थी, चीख रही थी, उस नाग को गोरी कौवी के ऊपर जरा भी तरस नहीं आया। रानी मेरी प्यारी सहेली अब इस दुनिया में नहीं रही, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। बुलबुल उस नाग का आतंक दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, कैसे भी करके उस नाग को मारना ही होगा। अगर हम इसी तरह से चुप बैठेंगे तो हमारे जंगल के सारे पक्षियाँ मर जाएंगे, बुलबुल मर जाएंगे, उस नाग का शिकार बन जाएंगे, बुलबुल उस नाग का शिकार बन जाएंगे। तभी वहाँ पर सुंदरी कौवी भी आ जाती है। अरे रानी चिड़िया, तुमने सुना, हमारी सहेली गोरी कौवी को वो दुष्ट नाग ने खा लिया है। जंगल में ये बात सभी पक्षियाँ कह रहे हैं, रानी चिड़िया कह रहे हैं। हाँ हाँ काली सुंदरी, मैंने मेरी आँखों से देखा है उस दुष्ट नाग को गोरी कौवी को बड़े मजे से खाते हुए। हे भगवान, वो नजारा कितना भयंकर होगा। मेरी सहेली गोरी कौवी चीखी चिल्लाई होगी, अपनी जान की भीख मांगी होगी उसने, सोच कर ही मुझे डरा रहा है। हाँ हाँ सुंदरी, तुम जो कह रही हो ना, वो सारी बात सच है, सच है। बहुत हो गया उस नाग का अत्याचार और आतंक, अब उसे खत्म करना ही होगा। रानी चिड़िया, उस नाग को कौन मारेगा, वो इतना बड़ा और शक्तिशाली और उसके मुंह में जहर, उसे देखकर ही हमारे पसीने छूट जाते हैं। सुंदरी अभी हमें हिम्मत लेना ही होगा। हमें, यानी मैं भी तुम्हारे साथ उस नाग को मारने जाऊं? ना बाबा ना, मैं नहीं आऊंगी, मेरी जान मुझे बहुत प्यारी है रानी चिड़िया, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो। सुंदरी तुम डर रही हो, डरो मत सुंदरी, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम तुम्हारे पुराने दिनों को याद करो सुंदरी, तुम एक झगड़ालू सुंदरी हो, तुम्हें देखकर पूरा जंगल एक समय डर जाता था, अब भी तुम झगड़ालू सुंदरी हो। हिम्मत लो सुंदरी, हिम्मत लो, कुछ नहीं होगा। अगर हम दोनों मिलकर उस नाग को मार देंगे तो हमारे जंगल के सभी पक्षियों की जान बच सकती है सुंदरी, जान बच सकती है। रानी चिड़िया, तब की बात अलग थी, अब मैं सुधर गई हूँ और तुम कह रही हो मुझे कि मैं झगड़ा करूँ, वो भी उस दुष्ट नाग से। ना बाबा ना, मेरा एक प्यारा सा पति है, उस पति का नाम कालू कौवा है, वो मुझे बेइंतहा प्यार करता है रानी चिड़िया। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा पति पागल हो जाएगा, इसीलिए मैं झगड़ा नहीं करूंगी रानी चिड़िया। अरे सुंदरी, तेरा ये ड्रामा बहुत हो गया, अब ये ड्रामा बंद कर, अब चल उस दुष्ट नाग के पास और उसके साथ झगड़ा कर। सारे जंगल में ये बात फैल जानी चाहिए कि झगड़ालू सुंदरी ही इज कमबैक।
सुंदरी, मैं तुझे पहले से ही जानती हूँ। तू एक बार जिद पर आ गई तो किसी की भी नहीं सुनती। सोच सुंदरी सोच, अगर वो दुष्ट नाग तेरे पति को खा जाएगा तो तू क्या करेगी? सुंदरी तू क्या करेगी? मुझे तो सोच कर ही डर आ रहा है सुंदरी। और तू तो पत्नी है, तुझे कितना डर आता होगा और गुस्सा भी आता होगा। बस कर रानी चिड़िया बस कर। और बुलबुल तू तो अपनी जबान मत खोल, अब सिर्फ मेरी जबान खुलेगी। अब उस नाग की खैर नहीं, जब मेरे पति पर बात आ गई है तो अब वो नाग नहीं बचेगा। चाहे जो कुछ हो जाए या फिर भगवान भी आ जाए, अब वो नाग नहीं बचेगा। अब उस नाग का खून मेरे हाथों से ही लिखा है। बुलबुल मन ही मन सोचती है, अरे वाह सुंदरी तो बकरा बन गई। थोड़ा तारीफ क्या कर ली सुंदरी की, ये तो हवा में उड़ने लग गई। अगर सुंदरी उस नाग को मार देती है तो हम सब पक्षियों की जान बच जाएगी। अगर नाग सुंदरी को मार देगा तो हम सब पक्षियाँ इस जंगल को छोड़कर चले जाएंगे। सुंदरी कवि उड़ते उड़ते उस नाग के पास जाती है और बहुत गुस्से से उस नाग को आवाज लगाती है। अरे वो दुष्ट नाग, तेरा आतंक बहुत हो गया है इस जंगल में। अब तू इस जंगल में रहेगा या फिर मैं रहूंगी? अरे वो काली सुंदरी कवि, मैं अभी अभी एक कौवी खा चुका हूँ और मेरा पेट पूरी तरह से भर चुका है। तुम ना कल सुबह मेरे पास आ जाना और मैं तुम्हें खा लूंगा। नाग तू मुझे जानता नहीं है, मैं झगड़ालू सुंदरी हूँ। मैं एक बार जिद पर आ गई तो मैं किसी की भी नहीं सुनती हूँ। निकल जा मेरे जंगल से बाहर। लगता है तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी नहीं है। अभी भी समय है, सोच ले कवी, भाग जा यहाँ से, वरना इतना मारूंगा कि तुम्हें तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। सुंदरी कवि उस नाग पर हमला कर देती है, लेकिन वो नाग बहुत शातिर होता है। वो सुंदरी कवि को अपने पूंछ से मार देता है और सुंदरी कवि नीचे गिर जाती है। पागल कवि मुझे मारने आई थी, मुझे कोई नहीं मार सकता, मुझे वरदान मिला हुआ है, वरदान। इतना कहकर वो नाग वहाँ से चला जाता है। हाँ, मेरी कमर टूट गई। इस नाग ने इतना जोर से मारा कि मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ। अरे यहाँ पर कोई है तो मुझे उठाकर मेरे घर ले जाओ। तभी वहाँ पर रानी चिड़िया आ जाती है। क्या हुआ सुंदरी, तुम नीचे क्यों गिरी हुई हो और वो नाग कहाँ है? रानी चिड़िया, तेरी बात सुनकर और उस काली बुलबुल की बात सुनकर मुझ में जोश आ गया था और मैं पागल कवि तुम्हारे बातों में आ गई और उस नाग से झगड़ा करने के लिए आ गई। मुझे उस नाग ने पूंछ से एक बार मारा और मेरी कमर की हड्डी टूट गई। प्लीज रानी चिड़िया, मुझे यहाँ से ले चलो। रानी चिड़िया सुंदरी को अपने पैर से पकड़कर उड़ते उड़ते सुंदरी के घर चली जाती है। ये मेरी काली सुंदरी को क्या हुआ रानी चिड़िया, इसे तुम इस तरह से क्यों लेकर आई हो? बोलो रानी चिड़िया बोलो। कालू भैया, मैं और सुंदरी उस नाग को भगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुंदरी कुछ ज्यादा ही जोश में आ गई और उस नाग को भगाने के लिए अकेले ही चली गई और उस नाग ने सुंदरी को अपने पूंछ से मार दिया और सुंदरी नीचे गिर गई कालू भैया। अरे तुम दोनों को एक बार कहने से समझ में नहीं आता, क्यों बार बार उस नाग के सामने जाते हो? वो बहुत शक्तिशाली नाग है, आइंदा तुम दोनों उस नाग के सामने मत जाना। रानी चिड़िया कालू की बात सुनकर वहाँ से चली जाती है।
सुंदरी तुम ऐसा क्यों करती हो? देखो तुम्हारी हालत क्या हो गई है। तुम्हें उस नाग को जंगल से भगाना है ना? उस नाग को मैं भगाऊंगा सुंदरी, तुम चिंता मत करो। मैं अभी कालिया के पास जाता हूँ, कालिया से बात करके कोई ना कोई योजना निकालता हूँ। प्लीज तुम घर से बाहर मत जाना सुंदरी, मत जाना। कालू कौवा उड़ते उड़ते कालिया के पास जाता है। कालिया रोते रोते अपने घोंसले में बैठा हुआ था। कालिया मुझे बहुत अफसोस है कि इस बात का कि तुम्हारी पत्नी को उस नाग ने खा लिया। होने को कोई नहीं टाल सकता कालिया। कालू मैं तुम्हें कैसे बताऊं? मेरी गोरी मेरी जान थी। मैं उसके बगैर कैसे जीऊंगा? तुम नहीं जानते कालू, उसकी याद मुझे खाए जा रही है, खाए जा रही है। कालिया मुझे भी डर सता रहा है कि अगर वो नाग इसी तरह से जंगल के पक्षियों को खाने लगा तो एक दिन वो नाग हमें भी खा सकता है। तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा कालिया, अभी तुम ही कुछ कर सकते हो कालिया। मुझे हिम्मत लेना होगा कालू, तुम क्या कहना चाहते हो? साफ साफ कहो, क्यों बातों को घुमा फिरा कर कह रहे हो कालू? साफ साफ बताओ ना। अभी उस नाग का खात्मा करना ही होगा कालिया। आज उसने मेरी पत्नी सुंदरी को मार कर भगा दिया है। हम इसी तरह से हाथ पर हाथ धरे बैठेंगे तो वो नाग सबको खा जाएगा। अभी हम दोनों को ही कुछ करना होगा कालिया। हम उस नाग को खत्म कर देते हैं कालिया, खत्म कर देते हैं। हाँ कालू तुम ठीक कह रहे हो, हमें उस नाग को खत्म कर देना ही होगा। लेकिन वो नाग बहुत शक्तिशाली है, इसलिए हमें उस नाग को पूरे प्लान से मारना होगा कालू। भगवान हमारी मदद जरूर करेगा कालू, जरूर मदद करेगा। तुम चिंता मत करो, मैं उस नाग को खत्म कर दूंगा। बस तुम मेरा साथ देना कालू, मेरा साथ देना। हाँ कालिया मैं तुम्हारा साथ दूंगा, क्योंकि अब जंगल के पक्षियों पर बात आ गई है। कालू और कालिया उड़ते उड़ते उस नाग के पास जाते हैं, लेकिन उन्हें नाग नहीं मिलता। कालू और कालिया पूरा जंगल छान मारते हैं, मगर उन्हें नाग कहीं पर भी नहीं मिलता। अरे कालू वो दुष्ट नाग कहाँ चला गया? हमने तो पूरा जंगल छान मार लिया, लेकिन वो नाग हमें कहीं पर भी नहीं मिला। हाँ कालिया वो नाग तो हमें कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है, शायद वो इस जंगल को छोड़कर चला गया होगा। कालू और कालिया इस तरह से बातें करके अपने अपने घर चले आते हैं। कालू घर आकर देखता है कि सुंदरी घर पर नहीं होती है। सुंदरी कहाँ चली गई? सुंदरी की हालत तो बहुत खराब थी, मुझे जंगल जाकर ढूंढना होगा सुंदरी को। फिर कालू कौवा उड़ते उड़ते जंगल की ओर चला जाता है। सुंदरी, ओ सुंदरी कहाँ पर हो तुम? मुझे आवाज दो, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ सुंदरी, मुझे आवाज दो। वो नाग सुंदरी कौवी को अपने साथ अपने गुफा में ले गया होता है। अरे वो काली कौवी, तुझे क्या लगा मैं तुझे छोड़ दूंगा? नहीं मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे मैं कल सुबह उठकर खाऊंगा। इसलिए मैं तुझे यहाँ ले आ चुका हूँ। अरे वो दुष्ट नाग, अगर मेरे पति को पता चल गया कि तूने मुझे यहाँ लेकर आया है, मेरा पति तुझे मार डालेगा। इस नाग को कोई नहीं मार सकता। अगर तेरा पति कालू कौवा इधर आ गया तो मैं उसे एक ही निवाले में खा लूंगा। दुष्ट नाग, तेरा अंतिम समय आ गया है, तुझे अब मरने से कोई नहीं बचा सकता। अगर भगवान भी आ गया तो वो भगवान भी तुझे बचा नहीं पाएगा, क्योंकि तू मासूम पक्षियों का हत्यारा है, हत्यारा। दूसरी ओर कालू कौवा
सुंदरी को ढूंढते ढूंढते चील के पास आ जाता है। चील दीदी, हमारे जंगल में सबसे बड़ा सांप आ गया है, यानी कि नाग आ गया है। उसने जंगल में अपना खौफ बना दिया है और जंगल के सभी पक्षियों को मार मार कर खा रहा है। चील दीदी, अभी मेरी बीबी सुंदरी कभी भी दिखाई नहीं दे रही है। अगर वो नाग इसी तरह से सभी पक्षियों को खाता रहेगा तो एक दिन जंगल में पक्षियां ही नहीं बचेंगे। चील दीदी, आपको कुछ करना ही होगा। चील दीदी, आपको कुछ करना ही होगा। कालू, मुझे पहले से ही पता था उस नाग का आतंक इस जंगल में बहुत बढ़ गया है। अभी कालू पानी सर के ऊपर से चला गया है, अब हमें उस नाग को मारना ही होगा। लेकिन चील दीदी, उस नाग को देवों के देव महादेव से आशीर्वाद मिला हुआ है, उसे कोई नहीं मार सकता। लेकिन उसके सर पर मारने से वो नाग मर जाएगा। अच्छा हुआ कालू तूने मुझे बता दिया, मैं सीधे उसके सर पर ही वार करूंगी। लेकिन पहले मैं उसे समझाऊंगी, अगर वो नाग ना समझा तो मजबूरन मुझे उस नाग को मारना ही होगा। इतना कहकर वो चील उड़ते उड़ते जंगल चली जाती है। लेकिन उस चील को भी वो नाग नहीं दिखाई देता। फिर वो चील उड़ते उड़ते उल्लू के पास जाती है। उल्लू, तूने कहीं पर नाग को देखा है? अगर देखा है तो मुझे बोल दे, वो किस दिशा में है? वो नाग तो हमारे जंगल के गुफा में है और उसने एक कवि को अपने कब्जे में ले लिया है और उस कवि के शरीर से खून निकल रहा है। अगर तुम्हें उस नाग को मारना होगा तो तुम आज ही मार दो उसे, क्योंकि आज अमावस की रात है। फिर क्या था, चील उड़ते उड़ते गुफा में चली जाती है और चील देखती है कि सुंदरी कवि को उस दुष्ट नाग ने एक रस्सी से बांधा हुआ था। दुष्ट नाग, अगर तू मरना नहीं चाहता तो इस जंगल को छोड़कर चला जा। आ गया जंगल का राजा, इसे कहते हैं शेरों का शेर चील। तुझे क्या लगा चील, मैं डर जाऊंगा? मुझे कोई नहीं मार सकता, मुझे महादेव से आशीर्वाद मिला हुआ है। अगर तू अपनी जान बचाना चाहता है तो यहाँ से भाग जा, वरना खामखा मारा जाएगा मेरे हाथों से। लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा नाग। फिर क्या था, उस चील को गुस्सा आ जाता है और चील अपने पंख जोरों से फड़फड़ाने लग जाती है और सीधे उस नाग के सिर पर वार कर देती है। तभी वहाँ पर कालू कौवा भी आ जाता है, लेकिन सुंदरी एक खंभे से बंधी हुई थी। कालू कौवा जाकर सुंदरी कवि को आजाद कर देता है और चील उस नाग को अपने साथ लेकर चली जाती है। कालू जी, ये चील अचानक आई और उस नाग को मारकर अपने साथ लेकर चली गई। ये यहाँ पर क्या हो रहा है कालू जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सुंदरी, तुम्हारे शरीर से बहुत खून निकल रहा है, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। तुम इन सब बातों में क्यों ध्यान दे रही हो? शायद चील को भूख लगी होगी, इसलिए खाने को ले गया होगा। अभी चलो सुंदरी, घर चलते हैं। और जंगल के सभी पक्षियाँ खुश हो जाते हैं। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें जो भी मिला है उसकी कदर करनी चाहिए, ना कि उसका गलत फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर गलत फ़ायदा उठाएंगे तो उसका परिणाम भी बहुत बुरा होगा, क्योंकि गलत का साथ कभी भी भगवान नहीं देता, भगवान तो सही सत्य का साथ देता है।